नाउ आज की हम स्टडी करेंगे, आज अपना हमारा जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। क्लियर? सो 1991 की कौन कौन सी हमारी क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो हमारे पास 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि यहीं से ही हमारे पास क्या था, मेजर चेंजेस आए। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड है वो मैं दे चुकी हूँ, जो इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड है वो मैंने सारा कवर किया है। सो अब हम 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म को स्टडी करते हैं। सो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमें ये इम्पोर्टेंट है उसका बैकग्राउंड समझना, ठीक है, कि हम किसके ऊपर, हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट था, फिर हमारे पास प्रोसेस, हमने किस चीज को अडॉप्ट किया, इम्पैक्ट क्या निकला, चैलेंजेस। ठीक है, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी हमने अगर इंट्रोड्यूस किया, उन्हें भी करने लगे, तो उसके बाद भी क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े। नेक्स्ट इज अ वेज टू गो फॉरवर्ड, और हमें किस तरीके से आगे मूव ऑन होना है। आप कहोगे ना कि मैम ये सब तो हो चुका है, कि हमारे मतलब के एग्जाम में फिर भी यही कंसेप्ट क्यों आता है। क्योंकि एक चीज सिंपली है, देखो जब तक हम आगे की फॉरवर्ड पॉलिसीज को फ्रेम नहीं कर सकते, आगे की पॉलिसी को मैं नहीं बता सकती, या हम उन पॉलिसीज को आगे इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सही तरीके से, जब तक कि मुझे किसी भी चीज का बैकग्राउंड पता नहीं होगा। और जब मुझे बैकग्राउंड पता होगा, जब मुझे पता है कि उसे मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, उसका क्या है बैकग्राउंड, क्या था, मैंने कहाँ मिस्टेक की थी। हिस्ट्री इज अ वर्ड कि हम पास्ट को स्टडी करते हैं ताकि अपने जो हमारे मिस्टेक्स हैं उन्हें इम्प्रूव कर सके, अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है, इम्प्रूव कर सके। सो हमारे पास क्या लिखा, हमारे पास है इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। तो 1991 की हमारे पास जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं क्या था, यानी कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या था, डिपेंडेंट ऑन एड, हम एड और ग्रांट्स के ऊपर क्या हो गए थे, डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास तो यही हमारा क्या था, मेन बैकग्राउंड था। हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे थे, इनकम मेरी कम हो रही थी। ठीक है, हमने 1991 के रिफॉर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों थी, बैकग्राउंड इज अ वर्ड की हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्यों हमने 1991 के रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। सो हमारे इनकम काफी ज्यादा कम हो गई थी, एक्सपेंसेस मेरे बढ़ गए थे, और लेस रिसोर्सेस लेफ्ट, और जो रिसोर्सेस थे वो मेरे पास कम रिसोर्सेस बचे हुए थे। ठीक है, यानी कि लेस रिसोर्सेस लेफ्ट, यानी कि लेस रिसोर्सेस बचे थे। अब द मेन थिंग इज कि मेरे पास 15 डेज के, सिर्फ 15 डेज के ही मनी था। ठीक है, उसके बाद जब कैलकुलेट किया गया कि 16-17 डेज गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी फंड नहीं है जो कि वो रन कर सकती है। तो अब बैकग्राउंड के लिए हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये मैंने ये कुछ आपको एक बैकग्राउंड एक सिंपल की फॉर्म में समझाया हुआ है कि ड्यूरिंग 1970s प्रोडक्शन स्लो डाउन, क्योंकि एकदम से, देखो जब कोई भी इंसॉल्वेंट होता है तो वो एकदम से इंसॉल्वेंट नहीं होता कि बिल्कुल आज सुबह उसके पास पैसा था लेकिन शाम को बिल्कुल वो इंसॉल्वेंट हो गया। नहीं, जब कभी पैसा जो खर्च होता है, या फिर कोई इंसॉल्वेंट होगा, या रिसोर्सेस कम होने शुरू हो जाएंगे, उसका इंडिकेशन हमें पहले से ही मिलने लग जाता है। ठीक है, एकदम से कभी नहीं होता। ठीक है, सो अब देखिए, ड्यूरिंग द 1970s प्रोडक्शन स्लो डाउन, यानी कि 1970s के दौरान प्रोडक्शन क्या थी, वो स्लो डाउन हो गई थी, वो कम हो गई थी। ये तो हमने देखा कि ड्यूरिंग 1970s में प्रोडक्शन स्लो डाउन, सो वी नीड टू इंपोर्ट द सर्टेन कॉमोडिटीज। अब मेन चीज क्या थी, हमें यानी कि अपने जो इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज थी उसकी भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमने फिर सर्टेन कॉमोडिटीज को बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमने फर्टिलाइजर को, क्रूड ऑयल को, इन सब को हमने बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा कि मतलब हमारे पास, देखो जब हम इंपोर्ट बाहर से करेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए मनी रिक्वायर्ड है या नहीं, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्या,
यानी कि कर्जा आने लग गया था, बैलेंस यानी कि जो अमाउंट का था वो गवर्नमेंट के ऊपर हो रहा था, चढ़ रहा था. नेक्स्ट इज आफ्टर द सम टाइम वी रियलाइज द ग्रांट्स एंड एड वर नॉट सफिशिएंट टू मीट द राइजिंग डिमांड. फिर हमने कुछ टाइम बाद ये रियलाइज किया कि जो ग्रांट्स और जो भी एड्स प्रोवाइड की गई थी वो बढ़ती हुई डिमांड को, मतलब डिमांड तो पब्लिक क्या है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा थी, बढ़ रही है, लोग चाहते हैं कि उनको हर चीज फ्री में मिल जाए. ठीक है, गवर्नमेंट अगर आपको कोई भी चीज होती है उसको सब्सिडाइज रेट पे दे रही है, इट मीन्स कि वो सब्सिडी हमें मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो वो कॉस्ट है ना. तो आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज्ड ग्रांट्स एंड एड्स वर नॉट सफिशिएंट टू मीट राइजिंग डिमांड. तो कुछ टाइम बाद हमने ये रियलाइज किया कि जो ग्रांट्स और जो एड्स है वो बढ़ती हुई डिमांड, वो राइजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज्ड ग्रांट्स एंड एड्स वर नॉट सफिशिएंट टू मीट द राइजिंग डिमांड. सो क्राइसिस हैड टू हैपन इन इंडिया इन 1991. तो 1991 में इसीलिए इंडिया में क्राइसिस तो होने ही थे. कैसे? कि जब प्रोडक्शन नहीं हो रही हमारी इकोनॉमी में, हम इम्पोर्टेंट जो असेंशियल कॉमोडिटीज भी, हम कहाँ से, हम उस कॉमोडिटीज को भी बाहर से क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, ग्रांट्स और एड्स जो हैं वो मेरे कम रह गए हैं. ग्रांट्स और एड्स में पब्लिक को कितना दूं? ठीक है, तो राइजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए ग्रांट्स और एड्स क्या है, इतने सफिशिएंट नहीं है. तो आफ्टर द सम टाइम वी हैव रियलाइज्ड दैट ग्रांट्स एंड एड्स आर नॉट सफिशिएंट. ठीक है, तो ग्रांट्स और एड्स जो हैं वो हमारे राइजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए कम थे. कितना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मनी नहीं था. मनी कहाँ जा रहा था? असेंशियल कॉमोडिटीज को इंपोर्ट करने के पैसे में हमारा अमाउंट जा रहा था. तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती? आप खुद सोचिए, आप क्या वर्क कर रहे हैं अगर आप खाने के लिए भी दूसरों से मांग रहे हैं, तो बताइए क्या उस घर की ग्रोथ होगी? नहीं, उस घर की ग्रोथ नहीं हो सकती, तो एक कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी? तो इसीलिए 1991 में इंडिया में तो क्राइसिस होने ही थे. क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट हैव सफिशिएंट फॉरेन करेंसी. हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन करेंसी नहीं थी. ठीक है, तो वी डोंट हैव द सफिशिएंट फॉरेन करेंसी. ठीक है, ग्रांट्स नॉट कमिंग. अब मेन चीज थी कि हमें जो हमारे लाभार्थी थे वो ग्रांट्स हमें नहीं मिल रही थी. तो डू नॉट हैव द सफिशिएंट फॉरेन करेंसी, सफिशिएंट फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं थी. तो सेकेंड इज द ग्रांट्स नॉट कमिंग, ग्रांट्स हमें नहीं मिल रही थी. लास्ट ऑप्शन क्या था? हमें यही देखा कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो सिर्फ 14-15 डेज रन होंगे, उसके बाद हमारी कंट्री में रिसोर्सेस नहीं होंगे. पब्लिक बिल्कुल क्या हो जाएगी, अंगेज हो जाएगी गवर्नमेंट के, वो समझेंगी नहीं. तो एक ऐसी कंडीशन इकोनॉमी में जनरेट हो गई थी. तो लास्ट ऑप्शन क्या था? लास्ट ऑप्शन था कि इस क्राइसिस को फेस करने के लिए तो हम आईएमएफ के पास चले गए. ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इज लेफ्ट टू गो टू द आईएमएफ टू फेस द क्राइसिस. तो क्राइसिस को फेस करने के लिए हम आईएमएफ के पास गए. आईएमएफ प्रोवाइडेड फॉरेन करेंसी लोन टू देम, यानी हमें. ठीक है, आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ लोन आपको प्रोवाइड करता है. वो एक आपके लिए क्या है, सिर्फ लोन प्रोवाइडर नहीं है, वो आपका एडवाइजर भी होता है हर कंट्रीज के. ठीक है, वो कंट्रीज को एडवाइस भी करता है और आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा. आईएमएफ ने कंडीशंस भी रखी. ठीक है, तो आईएमएफ प्रोवाइडेड द फॉरेन करेंसी लोन, तो आईएमएफ ने फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइड किया. तो आईएमएफ वुड बिल्ड रीपेमेंट कैपेसिटी टू इंडिया. ठीक है, अब मेन चीज थी आईएमएफ ने, भाई सिंपल सीधी सी बात है, मैं लोन उसी को ही दूंगी जिस कंट्री में क्या होगी कि मुझे लगेगा कि वहां से मुझे रीपेमेंट मिल सकती है.
आईएमएफ ने क्या किया, इंडिया को रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में बताया कि आप इस अमाउंट को किस तरीके से रीपे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। सो आईएमएफ हेल्प्ड टू बिल्ड अप द रीपेमेंट कैपेसिटी। तो आईएमएफ ने रीपेमेंट कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए हेल्प किया। सो दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस बिकम द प्री कंडीशन टू लोन। तो यही जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, ये हमारे लोन की पहली कंडीशन बन गई। पहले आईएमएफ आपको सीधा लोन नहीं देगा, पहले वो आपसे आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को पूछता है, प्रॉब्लम्स को पूछता है, तब वो आपको लोन देता है। सिंपली आप ब्लाइंडली ये जाके कि जैसे कि बैंक में जाके कहते हैं ना कि हमें इतने का पर्सनल लोन चाहिए, उन्हें मतलब नहीं होता कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। लेकिन आईएमएफ ऐसा नहीं है, वो आपको एडवाइजर भी इकोनॉमिक्स के रिफॉर्म्स के बारे में बताता है। सो दी स्ट्रक्चरल चेंजेस बिकम द प्री कंडीशन टू लोन। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, ये हमारे लोन के पहली कंडीशंस बन गए। ठीक है, सो दी स्ट्रक्चरल चेंजेस बिकम द प्री कंडीशन टू लोन। ठीक है, आईएमएफ गेव द लॉजिक व्हाई स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड इन इंडिया। अब आईएमएफ है, आईएमएफ ने स्टडी की कंप्लीटली इंडिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में, लॉजिक दिया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको उन मनी है गवर्नमेंट का, ठीक है, बाहर जितने भी जब भी मीटिंग्स होती हैं उनमें एक डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है कि आप लोग ना, जो ये सब्सिडी है ना, वेलफेयर एक्टिविटी है ना, इसे थोड़ा सा कम कीजिए। ठीक है, अगर आप वेलफेयर करना ही है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वेलफेयर कीजिए। ठीक है, सो आईएमएफ ने गेव द लॉजिक व्हाई द स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड इन इंडिया, कि इंडिया में हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड क्यों है। आईएमएफ ने हमें लॉजिक दिया। ठीक है, द फर्स्ट चेंजेस वाज एनी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइड गवर्नेंस। ठीक है, इट इज द फाइन कि आपका काम ना, ठीक है, कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो गवर्नेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड इज अ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, आपको इन सब चीजों को ना चेंज करना पड़ेगा। थर्ड इज अ प्रोटेक्शन एक्टिविटी। जब तक आप अपने अर्लियर मेथड को ही अडॉप्ट करते रहोगे, आपका आगे, ठीक है, वो चीज इंप्रूव नहीं होगी। सो आईएमएफ गेव द लॉजिक व्हाई स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो एनी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइड गवर्नेंस, तो वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी गवर्नेंस प्रोवाइड करती है। सेकंड इज अ वेलफेयर ऑफ द पीपल, पीपल के वेलफेयर के लिए। एंड थर्ड इज अ प्रोटेक्शन एक्टिविटी, यानी प्रोटेक्शन एक्टिविटी के लिए। आईएमएफ सेड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। देखा कि गवर्नमेंट ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बाबू आपका ये क्या, कुछ किसी का साउंड आ रहा है? सो प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए, आपका साउंड आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे देखिए, आईएमएफ सेड, आईएमएफ ने क्या कहा, आईएमएफ ने कहा ठीक है, आप गवर्नेंस का भी वर्क कर रहे हैं, आपका वेलफेयर का भी वर्क है, और आप प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मनी तो तीनों में यूज होगी ना। ठीक है, तो आईएमएफ सेड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। गवर्नमेंट के लिए ये सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंटली गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल द थ्री फंक्शंस। ठीक है, आज जो गवर्नमेंट है वो तीनों के तीनों फंक्शंस को कर रही है, वेलफेयर भी कर रही है, ठीक है, प्रोटेक्शन भी कर रही है, और गवर्नेंस भी कर रही है। बट नाउ गवर्नमेंट हैज टू चूज अ वन फंक्शन फ्रॉम द थ्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इन चेंज के लिए इनमें से किसी एक फंक्शन को चूज करना होगा। सो द गवर्नमेंट हैज टू चूज द वन फंक्शन। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ, प्रोटेक्शन इज टू बी लेफ्ट विद द प्राइवेट सेक्टर। आईएमएफ ने क्या कहा कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोटेक्शन छोड़ दो। ठीक है, कि अब प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरीके से गुड्स, आप क्यों बाहर से सामान को इंपोर्ट कर रहे हो। आपने इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंपोर्ट करने लगे थे बाहर से, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आने लग गई थी। तो वही वर्क अगर हम प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है, वही जो वर्क है वो प्राइवेट सेक्टर को हम लीव कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दो, तो बाकी का काम है वो कौन करेगा, वो अब प्राइवेट सेक्टर करेगा। गवर्नमेंट को तो अब उनको तो इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी ना इम्प्योरिटीज को, यानी कि इम्पोर्ट करने के लिए, सॉरी गुड्स को इम्पोर्ट करने के लिए। सो हमने तो IMF के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन इज टू लेफ्ट विद द प्राइवेट सेक्टर, कि जो प्रोडक्शन है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर के पास छोड़ दो। एंड इट इज नॉट द डोमिनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का क्या है, डोमिनेंस नहीं है। लेट देम एबल टू फोकस ऑन प्रॉफिट, कोई नहीं, प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट पे फोकस करना है, उन्हें प्रॉफिट पे फोकस करने दो। प्राइवेट सेक्टर ग्रो होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, हमारी गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम गवर्नमेंट की, कि जो गुड सर्विसेज हैं वो आपके इकोनॉमी में आएंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट को मनी पे करनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट की इंपोर्ट करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या था, दैट इज प्रोटेक्शन एक्टिविटी में हमने देखा, दैट इज अवर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मेन कंसर्न किया जाए। पहले बताओ क्लियर हुआ इतना, एनीवन, किसी को कोई डाउट है? सो अकॉर्डिंग टू IMF प्रोटेक्शन इज टू लेफ्ट विद द प्राइवेट सेक्टर, इट इज नॉट द डोमिनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड लेट देम एबल टू फोकस ऑन प्रॉफिट सो दैट इकोनॉमी वुड ग्रो, ठीक है। फिर हमारे पास मेन क्या था, ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ हैज टू बी अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, हमारी ग्रोथ को जो भी गवर्नमेंट का या कोई भी ड्राइवर है वो प्राइवेट सेक्टर होने दो, उन्हें इम्प्रूवमेंट, उन्हें गुड्स बनाने दो। जबी तो हमने प्राइवेटाइजेशन किया, क्या किया कि इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो ठीक है हमारी भी कॉस्ट कम हो जाएगी, पब्लिक को भी टाइमली उनके गुड्स मिल जाएंगे, और जो क्या है अफोर्डेबल है पीपल, उन्हें गुड्स मिल जाएंगे, ठीक है, वो इजीली मार्केट से परचेज करके अपने गुड्स को ले सकते हैं। नाउ द सेकेंड स्ट्रक्चरल चेंज कौन सा है, अवर द सेकेंड स्ट्रक्चरल चेंज इज चेंज इन द गवर्नमेंट थिंकिंग, ठीक है, हमें गवर्नमेंट की थिंकिंग के ऊपर चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज में से उन्होंने क्या बताया कि गवर्नेंस, इकोनॉमी, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, पीपल के वेलफेयर के लिए, और हमारे पास यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी, इन तीनों के लिए हमारे पास, यानी कि हमें गवर्नमेंट को इनमें से तीनों फंक्शन को नहीं एक ही फंक्शन को अडॉप्ट करना होगा, क्लियर। फिर सेकेंड क्या था हमारे पास, सेकेंड स्ट्रक्चरल चेंज है दैट वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग, दैट द चेंज इन द गवर्नमेंट थिंकिंग, गवर्नमेंट की थिंकिंग में चेंज होना चाहिए। मैच्योरिटी ऑफ द एनी गवर्नमेंट, ठीक है, वो कहाँ पे होगी, द मैच्योरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट इज पॉलिसी शुड बी मैच्योर विद टाइम, ठीक है, तो मैच्योरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की मैच्योरिटी कहाँ होती है, कि हमें टाइम के साथ साथ पॉलिसी को बनाना चाहिए। आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो आपको अपनी पॉलिसी को और थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, कि पहले तो भाई एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन कर दिए, एक यूनिट समझ में आ गई मुझे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं लिख दूंगी, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर यूनिट में से भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 10 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आएंगे तो ही मैं टिक कर पाऊंगी, राइट। सो मैच्योरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट इज अ पॉलिसी शुड बी मैच्योर विद टाइम, तो किसी भी गवर्नमेंट की मैच्योरिटी होती है कि जो पॉलिसी है वो हमारी समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ मैच्योर होनी चाहिए, क्लियर। सो चेंज इन गवर्नमेंट थिंकिंग, मैच्योरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट इज पॉलिसी शुड बी मैच्योर विद टाइम। अब ठीक है, एग्रीकल्चर कैन नॉट सस्टेन द ग्रोथ, देखो ये तो सिंपल है। अब
कौन कौन सी पॉलिसी पे चेंजेस होने चाहिए थे, आगे उन्हें डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर कैन नॉट सस्टेन ग्रोथ, इट कैन नॉट ड्राइव द ग्रोथ। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर तो हमारे सिर्फ बेसिक के काम वर्क के लिए, हमारे फूड के लिए है। एग्रीकल्चर से हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी और ना ही हमारी ग्रोथ को लेके जा सकता है, बस ये ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। लाइक एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको बताया था कि एग्रीकल्चर मेरा अच्छे से इंप्रूव होगा तो माय इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो मेरी इंडस्ट्री अच्छी होगी। तो इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो एग्रीकल्चर कैन नॉट सस्टेन द ग्रोथ, इट कैन नॉट ड्राइव द ग्रोथ। ना तो वो ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है, ना ही वो ग्रोथ को आगे लेके जा सकता है, वो सिर्फ ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, IMF ने इसके पीछे दो रीजन बोले। क्या रीजन बोले? कि एग्रीकल्चर इज अ मॉनसून डिपेंडेंट, राइट। तो एग्रीकल्चर हमारा मॉनसून डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारा मेन कंसर्न हमेशा से किस चीज के ऊपर था? ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेके आए, फिर भी यानी कि हमारे पास क्या था, हमने 1991 से ही ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी, उसके लिए भी हमने फर्टिलाइजर सीड्स इन सबको यूज किया, फिर भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इतनी ग्रोथ नहीं हुई, इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई। सो एग्रीकल्चर इज अ मॉनसून डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर हमारा मॉनसून डिपेंडेंट है, यानी सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशन, क्योंकि ये हमारा वेदर कंडीशन से चेंज है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इज अ मॉनसून डिपेंडेंट, सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशन। एग्रीकल्चर ऑलवेज हैव इट्स अप्स एंड डाउन। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के हमेशा इसके अप्स एंड डाउन्स हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए इवन अगर आप US की बात करते हैं, वो सिर्फ अपने इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो US की बात भी कर रहे हैं, चाइना, ब्राजील, इनमें भी क्रॉप फेलियर होती है, इनमें भी क्रॉप जो होती है फेल हो जाती है। सो नो कंट्री हैड 100% इरिगेटेड लैंड। ठीक है, किसी भी कंट्री में 100% इरिगेटेड लैंड नहीं है। द मेन रीजन सबसे पहले ये बोला कि हम कंप्लीटली एग्रीकल्चर के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो खुद मानसून डिपेंडेंट है। ठीक है, द सेकेंड इज द एग्रीकल्चर इज सब्जेक्ट टू क्रॉप क्रॉपिंग साइकिल। ठीक है, क्योंकि एक क्रॉपिंग साइकिल होता है, दैट इज अ फिक्स्ड पीरियड होता है उसका सोइंग करने का, कि एकदम से आज मैंने कंप्लीट किया तो नहीं, क्योंकि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, महीने लगते हैं उस चीज को होने के लिए। तो एक एग्रीकल्चर का क्या है? क्रॉपिंग साइकिल है। तो फोकस ऑन एग्रीकल्चर, तो हमें एग्रीकल्चर पे अगर कंसर्न भी करना है, एग्रीकल्चर पे अगर हमें ध्यान भी देना है, तो एग्रीकल्चर पे फोकस करो इज ऑफ फूड सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, कि हमें कहाँ से एग्रीकल्चर पे हमें इतना इन्वेस्ट करना है, या एग्रीकल्चर पे मुझे इतना फोकस करना है कि मैं एग्रीकल्चर की फूड सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न कर सकूं। सो फोकस ऑन एग्रीकल्चर इज ऑफ फूड सिक्योरिटी, एंड जॉब्स वर क्रिएटेड ओनली आउटसाइड द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तो क्लियर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर आप जॉब्स को क्रिएट नहीं कर सकते, तो जो जॉब्स हैं वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बाहर ही क्रिएट होंगी। सो एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड बाय बिजनेस एंड थ्रू ओनली प्रॉफिट। कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम बिजनेस के द्वारा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड बाय द बिजनेस एंड थ्रू ओनली प्रॉफिट, और सिर्फ प्रॉफिट के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड फॉर वर्टिकल स्केलेबिलिटी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अलाउज अस, यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी अपनी जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। यानी कि हमारा जो मेन कंसर्न था, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कि गवर्नमेंट, तो IMF ने बताया कि कोई भी गवर्नमेंट है वो सारे फंक्शंस को एक साथ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को किसी एक फंक्शन को अडॉप्ट करना होगा, और
और ड्राइवर के लिए हम आपको आपका प्राइवेट सेक्टर है, आप प्राइवेट सेक्टर को एनहांस कर सकते हैं, उन्हें ठीक है इंक्लूड कर सकती हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उन्होंने चेंजेस को बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को आपको जो उसमें रिफॉर्म्स लेके आनी है वो एज अ फूड सिक्योरिटी के लिए लेके आनी है, ठीक के जॉब्स के लिए नहीं लेके आनी। आप ये मत सोचो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इसके वहां के जो लोग हैं ठीक है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले 50% पीपल थे, पहले 80% थे, 50 हो गए, फिर 20 हो गए, 10% हो गए, आपको उन 10% से भी क्या फूड सिक्योरिटी मिल रही है आपकी कंट्री में या नहीं, ये मत सोचो कि कितने जो परसेंटेज है वो क्या हो गए, कम हो गए। हमारा मेन कंसर्न फूड सिक्योरिटी से होना चाहिए, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हम बिजनेस के द्वारा जनरेट कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड बाय बिजनेस एंड थ्रू ओनली प्रॉफिट, और वो सिर्फ प्रॉफिट के द्वारा हो सकती है। सो एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड बाय बिजनेस एंड थ्रू ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि हमारे वर्टिकल स्केलेबिलिटी को यानी स्केलेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। क्या है ये? हमारा ड्राइव करेगा स्किल, ठीक है। अब सिंपल सीधी सी बात है, आपके पास स्किल्स होंगी तो आपके पास जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी आपको उतनी ही रेमुनरेशन मिलेगी, ठीक है। आप जितने आपके अंदर आपके क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, आपकी जो सैलरी होगी, आपको जो पैसा मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक वर्टिकल स्केलेबिलिटी होने दीजिए, तो गवर्नमेंट क्यों टेंशन ले रही है, अब ये प्राइवेट सेक्टर्स को करने दीजिए, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव इज नॉट फ्रॉम लो टू मिडल इनकम बट टू हायर इनकम। हमारा ऑब्जेक्टिव लो से मिडल इनकम का नहीं होना चाहिए, लो से हायर इनकम का होना चाहिए, तभी हमारी जो स्किल्स है वो मैच करेंगी, ठीक है, हमारी रेमुनरेशन के साथ। और थर्ड चेंज क्या बताया, द थर्ड स्ट्रक्चरल चेंज, इंडिया हैड टू मच फोकस ऑन द पब्लिक सेक्टर। इंडिया ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा उसका फोकस था, ठीक है, लेकिन पब्लिक सेक्टर से तो ग्रोथ नहीं निकली। मेन चीज क्या थी, आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, आपको अपने ग्रोथ वाले सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, जो काम मैं बेस्ट कर सकती हूँ मुझे वो करना चाहिए, जो काम मैं बेस्ट नहीं कर सकते आप उसको क्यों कर रहे हैं। सो बट थर्ड क्या, पब्लिक सेक्टर कैन नॉट ड्राइव ग्रोथ, जो पब्लिक सेक्टर है वो ग्रोथ को ड्राइव नहीं कर सकता। तो पब्लिक सेक्टर कौन से हैं, गवर्नमेंट बिकम्स इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ चेंजेस जो सजेस्ट किए गए, अब गवर्नमेंट ने गुड सर्विसेज को पहले वो खुद प्रोड्यूस करता था, पहले खादी, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा थी, अभी भी है लेकिन अब उतने लेवल पर नहीं है। तो गवर्नमेंट बिकम द इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर, तो गुड्स और सर्विसेज का जो गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर बन गया, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी सेपरेट एक अलग एंटिटी हो गई आउटसाइड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या था, यानी कि गवर्नमेंट के बाहर जो चीज गवर्नमेंट के बाहर है उसे छोड़ दो, ठीक है। और मेन क्या था, फुल टाइम हेड जो है वो सब कुछ जो हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करो, सब कुछ अपने ऊपर वर्क को मत करो। तो मेन कंसेप्ट यही था, ठीक है। आई होप अभी तक क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द पब्लिक सेक्टर रिक्वायर अजेट्री अप्रूवल। ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, हमें क्या चीज करनी होगी, अगर मैं सारी एक्टिविटी को करना चाहती हूँ तो पब्लिक सेक्टर में तो मुझे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे बजटरी अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए पब्लिक की मनी यूज होगी। सो इट हैज टू बी एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव बट नो प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब हमने वर्क के लिए किस तरीके से जस्टिफिकेशन दिया गया, रिस्क मीन्स बोथ प्रॉफिट और द लॉस, ठीक है। अब देखो, आप कभी भी एक किसी भी चीज पे रिस्क लेते हैं,
तो रिस्क लोगे, ठीक है, उस पे दोनों ही चीज होगी, प्रॉफिट भी होगी लॉस भी होगी। पर हमारी जो इंडिया है अभी वो उस कंडीशन में नहीं थी कि वो लॉस को बियर कर सके, तो हमने उस मेथड को, उस इस पॉलिसी को, ठीक है, हमने 50-50 इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, हमने इसको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में ये चेंजेस तो लेके आए कि ठीक है वो इनडायरेक्ट क्या है, प्रोड्यूसर है, सेपरेट एंटिटी गवर्नमेंट नहीं बन पाई, आउटसाइड द गवर्नमेंट के बाहर, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो थी गवर्नमेंट के बाहर कुछ एक्टिविटीज को उन्होंने अलाउ किया, ठीक है, सब सारी एक्टिविटीज नहीं किया अलाउड, क्योंकि हमने एक ओवरऑल लॉस को बियर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वर्क टुगेदर, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, तो IMF ने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी। तो नेक्स्ट पे आइए, अब हमने क्या काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, सो जस्टिफिकेशन ऑफ द वर्क। ठीक है, अगर देखो पब्लिक सेक्टर को क्या चाहिए, पब्लिक सेक्टर को देखो हमसे, हमने क्या एक्टिविटी बनाई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी को बनाया गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, अब सब कुछ कह रहे हैं कि अनप्लान लॉकडाउन था, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को, ठीक है, अब क्या कर दिया, उसे धीरे धीरे ओपन कर दिया, अब भी कह रहे हैं कि अनप्लान्ड है। तो आप तो ये मान के चलिए दोनों साइड होगा, रिस्क भी होगा और तो प्रॉफिट भी होगा, बट हमें अपने उन सभी एक पॉलिसीज को एक बेटर तरीके से, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कि विच वन इज बेटर फॉर दी आर इकोनॉमी। सो जस्टिफिकेशन ऑफ द वर्क तो होगा ही पब्लिक सेक्टर में, ये तो मेन चीज है। ठीक है, हमें क्या बनना है, और अगर हम इनके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट कर देते हैं तो काफी हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, काफी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि सेल्फ रिलायंस, यानी कि मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है, आपका जो एक्टिविटी है या आपकी जो ग्रोथ है वो एनहांस नहीं करेंगी, तो आपको पहले सेल्फ रिलायंस होना है। तो सेल्फ रिलायंस बनने के लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जो हम बाहर से गुड्स इम्पोर्ट कर रहे थे उसे आपको खुद ही अपने यहीं क्या करना है, होम कंट्री में प्रोड्यूस करो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाए। ठीक है, थर्ड इज यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, जो हमारे पास, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में यूटिलाइज हैं उन्हें हमें ढंग से करना है। ठीक है, ये नहीं कि हमें न बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, करना है, लेकिन जब कि जब हमारी इकोनॉमी एक एडवांस थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी में हो जाए, अभी इकोनॉमी में बिल्कुल भी मनी नहीं है, तो गो फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट करनी है। ठीक है, अगर हमसे नहीं होंगे तो प्राइवेट सेक्टर्स को हाथ में दो, तो बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बैलेंस का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक ही जो एक्टिविटी है वही बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, बाकी एक्टिविटी हमारे उतनी ग्रोथ नहीं कर रहे, तो बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, कि जैसे जब अगर एक कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसे इंपोर्ट बाहर से नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और एक कंट्री का जो अमाउंट है वो घर पे ही रहेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, गुड्स भी ये बना रही हैं, सेल कर रही हैं, तो वो हमारे मनी को बाहर लेके जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज इसी की, हमारा इंडस्ट्रियल बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारा इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होगा तो ये सारी एक्टिविटीज हम इजीली कर लेंगे। तो ये तो कॉमन सेंस है कि हम सारा काम एक इंसान जिस तरीके से ऑल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, ठीक है, और इस तरीके से गवर्नमेंट भी सारी एक्टिविटीज को नहीं कर सकती। ठीक है, अब आइए, जैसे ये बताया गया क्या कि जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ द NTPC, ठीक है, अगर हम एक NTPC की बात करते हैं, ठीक है, पावर कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि इसका ऑब्जेक्टिव है खाली पावर को जनरेट करना, तो इन सबके
अलग अलग हमने ऑर्गेनाइजेशन को फिर फॉर्म करना शुरू कर दिया और एक उनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। जैसे ओएनजीसी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ओएनजीसी का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑयल को जनरेट करना, दैट इज जनरेट द ऑयल, ऑयल को हमें जनरेट करना है। तो एनटी इसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर जनरेशन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, आईएमएफ सेड थ्रू पब्लिक सेक्टर वी कैन नॉट ड्राइव योर ग्रोथ। ठीक है, ये तो आईएमएफ ने बताया ही था। तो अब फिर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, तो इट डज नॉट रिक्वायर द अमेंडमेंट, नहीं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि कंट्री में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने रिफॉर्म से करना स्टार्ट किया। ठीक है, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में। ठीक है, देखा जाए इंडस्ट्री में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, इन सब में पब्लिक सेक्टर का कंप्लीट डोमिनेंस था। क्लियर। तो इन सब ने हमारे पास इंडस्ट्री में, बाबू बार बार रिपीट कर रही, बैंकिंग में भी, ठीक है, और इंश्योरेंस में, बैंक जो थे सारे गवर्नमेंट बैंक से, इंश्योरेंस का भी गवर्नमेंट का ही एक्टिविटी थी, ठीक है, और इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट की थी, तो कंप्लीट पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। तो अब हमने इनको हटा के, ठीक है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी हाथ में कर दिए। यानी कि प्राइवेट, ऐसा नहीं कि हमारे गवर्नमेंट के रोल कम हो गया, गवर्नमेंट के रोल के कम होने के साथ साथ हमने प्राइवेट सेक्टर को इसमें आने के लिए परमिशन दे दी कि प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ आके वर्क कर सकते हैं। तो बैंकिंग के लिए, ठीक है, बैंकिंग में किस तरीके से रिफॉर्म्स आएंगी उसके लिए हमने नरसिम्हा कमेटी बनाई। ये आता है एग्जाम में कि, ठीक है, बैंकिंग के लिए कौन कौन से नरसिम्हा कमेटी को हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंश्योरेंस के लिए हमने मल्होत्रा कमेटी आई थी। ध्यान रखिएगा, हमें इन कमेटी के रिकमेंडेशंस को भी स्टडी करना है। अभी तो मैंने इसलिए ये ठीक है वैसे ही लिख दिए। अब मेन चीज था हमारे पास ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, जो ये तो हमारे होम कंट्री के लिए था, ठीक है, और हमने अपने फॉरेन ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, तो हमें, ठीक है, अपने इस एक्ट को फेमा से रिप्लेस कर दिया। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा हमने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस कर दिया। यानी अब आप इसमें रेगुलेट नहीं करोगे, ठीक है, अब आपको इसमें खाली मैनेज करना है। अब हमने बाहर की जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी से इस पे ओपन इकोनॉमी में इसे खोल दिया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन ये पॉइंट्स थे हमारे कि हमने अलग अलग सेक्टर्स पे इस तरीके से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। सो इंडस्ट्री में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर द फॉरेन ट्रेड में, ठीक है, फिर है कैपिटल मार्केट फॉर फाइनेंस। ठीक है, हमने देखा कि जो हमारी कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट के बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं, क्या होती है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट क्या है, ठीक है, आई होप जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो तो बहुत ढंग से जानते हैं इनके बारे में। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं ये बाद में आपको कैपिटल मार्केट बता दूंगी। मेन आप समझिए कि जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें जहाँ पे हम सेल करते हैं और बाय करते हैं तो वो हमारी मार्केट में है, ठीक है। हमें आपको मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट क्या है एक क्लास में समझा दूंगी। तो कैपिटल मार्केट को हमने देखा, ये हमारे फाइनेंस के लिए है और इस कैपिटल मार्केट में भी हमें रिफॉर्म तो लेके आनी है ना। जब हम किसी भी चीज को चेंज कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वो गवर्नमेंट ने इन सभी को में कुछ ना कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमने कमेटी को सेटअप कर दिया कि लाइक द बैंकिंग कमेटी, बैंक के लिए नरसिम्हा कमेटी है, इंश्योरेंस के लिए मल्होत्रा कमेटी है और कैपिटल मार्केट के लिए दामोदर, ठीक है ना, कमेटी है। फॉर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो फोकस ऑन इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट। तो हमने देखा कि अगर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए आप इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट के लिए कंसर्न कीजिए। सो ठीक है,
हमने अलग अलग मार्केट में क्या करने लगे, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स करने लगे, अलग अलग एरियाज में हम रिफॉर्म्स करने लगे, यही एरियाज हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे. सो मिस्टेक वी हैव डन दैट गिविंग द वर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू बैंकिंग. ठीक है, अब मेन क्या था कि हमने ना ये कंसेप्ट नहीं देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए हमारा कंसर्न इंश्योरेंस पे होना चाहिए. हमने मिस्टेक क्या कर दी, मिस्टेक कर दी कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का वर्क था ना वो बैंक को दे दिया. ठीक है ना, फिर हमारे पास बट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज ओनली डन बाय द इंश्योरेंस. ठीक है, आपको ये आई होप राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी. So, मैं आपको ये बोल रही हूँ, आपके साथ साथ इसको लिखते भी रहिएगा. सो इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज नॉट डन बाय द इंश्योरेंस. ठीक है ना, इज डन बाय द इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगी. पर हमने मिस्टेकन क्या कर दी, हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, तभी तो हमारी इकोनॉमी ठीक है में जो रिफॉर्म्स आई वो इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई. रिफॉर्म्स को एक होता है पॉलिसी को बनाना. आपने रोज सोचा कि मैं सुबह उठ के 2 घंटे स्टडी करूंगी, लेकिन आपने स्टडी नहीं कर रहे हो, तो उसको साथ साथ आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा. पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंट भी करना है. तो गिविंग द वर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू बैंकिंग, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के वर्क को बैंकिंग ठीक है बैंकिंग में दिया, लेकिन उसका काम इंश्योरेंस का काम था, क्योंकि इंश्योरेंस ही आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता था. ठीक है, अब मेन चीज थी कि हमने देखा जाए तो हमारा ये जो मल्होत्रा कमेटी है, मल्होत्रा कमेटी ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, जो कि इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस एक ब्रॉड लेवल पर आएगा, तो इंश्योरेंस के लिए हमें, हमने IRDA उसके एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का सेट किया गया, जो कि कंप्लीट इंश्योरेंस को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा. ठीक है, अब हमने यहाँ पे अलग अलग चीजों में देखा कि अगर हम कैपिटल मार्केट या इन सब के लिए देखते हैं, तो कैपिटल मार्केट में भी एक अलग से गवर्नमेंट के अलावा, लिखा है ना आउटसाइड द गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी. आपने देखा है ना सेबी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि फिर हमने गवर्नमेंट के अलावा एक इंडिपेंडेंट ठीक है रेगुलेटर को सेट किया, वो थी सेबी. यानी कि हमने अलग अलग सेक्टर्स पे, लाइक बैंकिंग सेक्टर्स पे क्या RBI, ठीक है आपके पास इंश्योरेंस सेक्टर्स पे भी IRDA, ठीक है, और हमने फॉरेन ट्रेड में एक्ट बना दिया था, ठीक है, और हमने यहाँ पे बहुत अलग अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की गई. कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, इनमें हमने सेबी को स्टार्ट किया गया. ठीक है, एक बार देख लेते हैं आज ये कवर होगा या नहीं, कितना कवर हो पाएगा. अच्छा, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की प्री रिफॉर्म है, यहाँ से कल करेंगे, थोड़ा सा पार्ट, इतना पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, ये आपका इन्हीं से ही है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, कमेटी सेटिंग अप इन द फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो हम, हमारे पास, हमने क्या किया, हमने इसको सीरियल वाइज किया. ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में क्या किया कि सबसे पहले हमें एक कमेटी को सेटअप करना चाहिए, और ये जो कमेटी थी इन्होंने एक इंडिपेंडेंट, अलग अलग फील्ड में एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के लिए बोला. ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट जनरेशन में क्या थी, कमेटी सेटअप की गई. अब देखो मेन चीज क्या होती है, आज कमेटी बैठी है, उसके मेंबर कब हैं, ठीक है, मेंबर्स कौन कौन होंगे, उसको डिसाइड करने में डिस्कशंस क्या हुआ, ठीक है, क्या रिजल्ट निकला. और कमेटी भी इतनी जल्दी डिस्कशंस नहीं देती है, वो पहले पब्लिक का क्या करती है, सर्वे करती है, सर्वे में टाइम लगता है कि क्या उनकी परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग सर्वे का रिजल्ट आने में 2-3 साल लग जाते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिर पॉलिसीज बनती हैं, फिर पॉलिसीज पब्लिक को सर्कुलेट होती है, तब जाकर ठीक है एक डिसीजन होगा. तो कमेटी को सेटअप करना आसान है, लेकिन कमेटी का वर्क इतना आसान नहीं होता. कमेटी फिर अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं,
ठीक है, हमें इस सेक्टर में ये करना चाहिए, और कितना वो इम्प्लीमेंट हो पाता है वो अलग मैटर है। तो इसीलिए तो सैबी, ठीक है, आईआरडीए, इन सब को हमें एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को सेटअप करना चाहिए। ये हमें बाद में पता चला, उसका रिजल्ट बाद में आया, तो कमेटी ने एकदम से तो इन्फॉर्म नहीं कर दिया। तो इसीलिए कमेटी सेटअप हुई थी फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में, लेकिन सैबी आईआरडी जितने भी सारे क्या थे, रेगुलेटर से पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ ये हमारे सेकेंड जनरेशन में आए, ठीक है। और बैंकिंग में तो हमें रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि 1935 में आरबीआई ऑलरेडी सेटअप हो गया था, ठीक है। सो इन बैंकिंग वी डोंट नीड द रेगुलेटर, बैंकिंग में हमें रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऑलरेडी हैड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।